तुझे गलती की सजा मिलेगी, क्योंकि तूने मेरा नाम मिट्टी में मिला दिया। बैठो, सजा कौन दे हो बेचारे का, जैसे वही का छुटकारा का हाथ तय दियो, ये मेरा यह हाथ तय दे। क्या रे मनसा, क्या रे मनसा, ये जुल्म कैसा भारी, करता
अपना वर्ग बुलाए इधर जाने अच्छे अच्छे नाटक के हम डोलिया बाजी में हार देते हैं क्यों इसके साथ में था महाराज कंचन ये सारा गणेश के दरबार में कितने दिन से नौकरी करते हो ये सारा मोहन का चलता है मोहन का 90 साल और मुझे कितने वर्ष हो गए 18 वर्ष तुम्हारा बाप कैसे साल का आज साला हराम ज्यादा का बता रहा बाप ये का 60 साल का ये साला 90 साल का बता रहा दरबारी इन जैसे नौकरों को दरबार से हटा दो अंठा किसी दिन ने जान से मार दिया चल जानते क्या होगा देख मैं चलता हूँ कल ठीक 12:50 पर मौत का झूला चलाऊंगा जी बिल्कुल आज देखिए आज वही महारानी रजनी अपना है कि हमारा बच्चा पकड़ गया है और वो इसी रास्ते से निकलती है और देखिए आगे क्या होता है क्या होता है न जाने हाल मेरा वो एक हो चलते हैं चल के जरूर देखेंगे क्या भाइयों माता और बहनों बस्ती के सारे लोगों आप लोगों को सूचित किया जाता है जो हमारे राज कंचनपुर के महाराज मंत्री खड़क सिंह थे आज उनके द्वारा उनके हुक्म से मोहन लड़की की फांसी होने वाली है 11:58 जिस भाई सज्जन को मिलना है वो दरबार में आकर जेल में मिलने पहले अरे भैया ये बताइए ये आप किस चीज की दुखी पीट रहे हैं ये दुखी हमारे महाराज मंत्री खड़क सिंह का हुक्म है क्या एक लड़का उनकी लड़की के साथ छेड़खानी किया उन लड़के को पकड़ के जेल में बंद करवा दिया आर्डर दिया है कल दिन में 12 बजे उस बच्चे की फांसी होगी उसका नाम है मोहन सिंह उसका नाम है मोहन सिंह कल दिन में 11 बजे फांसी होगी 11:58 पे 11:58 पे तो बेटा अगर उसे कोई मिल सकता है तो जरूर मिलाया जाएगा जिसको मिलना है वो पहले समय से पहले मिल जाते हैं ठीक है बेटा मैं आऊंगी तुम रहोगे ना वहाँ वही रहेंगे हाँ ठीक मुझे मिला देना ठीक है मैं जरूर आ देखिए श्रीमान एक दिन सुहान सिंह मिला था अपनी माँ को लेकिन वो अपनी माँ को नहीं पहचान पाया और ना रजनी अपने बेटे सुहान सिंह को पहचान पाई आज वो जब सोहन सिंह ने अपनी माँ को माँ कहा था आज उसी नाम से महारानी रजनी देखिए जंगल में चिल्लाती है कि कोई मोहन को बचा लो कोई मोहन को बचा लो इधर सोहन सिंह आता है आवाज सुनकर माँ की और फिर पूछता है आगे देखिए क्या होता है क्या बताऊ अब वो महाराज के हुक्म है उसे कोई बचाने भी आला नहीं है मैं कैसे उस बेटे से भगवान वो कैसे कोई बचाने वाला है कोई बचाने अरे ये तो बीमार हो रही है माँ Yeah.
देखा था एक कि लड़का है महाराज खड़ग सिंह के वहां दरबार में, आप कल उसकी कहरा मुझे फांसी होगी। मैं सोचती हूँ कि ना जाने वो बच्चा कैसा निर्दोष है, कोई बचा ले उस बच्चे को और उस बच्चे से एक बार मेरी मुलाकात करा दे। यानी वो आपका कौन है जो आप उसके लिए परेशान है? मुझे लगता है कि वो मेरा बेटा है। यानी मोहन आपका बेटा है? माँ ये बताओ उसकी पहचान क्या है? बेटा अगर ये पहचान पूछना चाहते हो तो ये बहुत दिन की कहानी है। कौन सी कहानी है माँ? और ये कहानी बहुत गंभीर है। कैसी कहानी माँ? बेटा मेरे दोनों बेटे दो बेटे थे और मैं इस राज की महारानी थी। मेरे महाराज कंचन नरेश का स्वर्गवास हो गया था। अच्छा, उसके बाद ये मेरे बच्चे मंत्री खड़ग सिंह ने चुरा के निशानी कौन सी थी? और मेरे दोनों बेटे थे, मेरे हाथ में चक्र का निशान था। यानी आपके हाथ में चक्र का निशान था? हाँ। अगर वो मेरे सामने आ जाए तो मैं अपने बेटे को गोली दे जी लूं। अगर भगवान तो संसार में जीवित नहीं तो कहां से मुझे मिलेंगे? या भगवान, चंद्र का निशान तो हमारे भी हाथ में है, इसकी मतलब है ये मेरी माँ। माँ देखो मेरे हाथ में क्या? माँ तो तुम्हारे हाथ में बड़ी चक्र था, निशान था जो बचपन में था। मोहन
क्या बात है, आज तेरी मौत का नजारा हमारी ये रियाया देखेगी। मैंने मुरादी करवा रखा था, मैं मोहन को मौत का झूला झुलाऊंगा। कंचनजंगा का हर न नरियाकर मौत का झूला देख सकता है। चढ़ जाओ फांसी पर, तुम्हें मौत का झूला झुला दूंगा। देर मत करो, टाइम कम है, काम बहुत ज्यादा है। महाराज जल्दी कहते हैं कि मरने वाले से पहले कुछ पूछा जाता है, पूछ लो। ठीक है, अगर इसका कोई मोहन इरादा हो तो बताए। मोहन तेरा आखिरी वक्त है, इंसान से बात कर ले और जो चीज तुझे चाहिए वो चीज मांग ले। बोल जल्दी से, कोई चीज खाना चाहता है और किसी से मिलना चाहता है, किससे? अरे राइट महाराज, अरे छोड़ो ही बातों को, मरने के समय है, बेचारे को मिला दो बेटी मन साथ अपनी। तुम्हारा दिमाग खराब है, मैं इसे तनहा मौत का झूला झुलाऊंगा, उसके बाद मनसा को वो सजा दूंगा कि देखने वाले इंसान और के बाद में किसी की नाकी की औकात नहीं होगी। जो मैं काटता नाक मिट्टी में डाल के मैं सजा दूंगा। मैं छोड़ा झुलाया जाता है। हाँ हाँ वो तो नंबर एक और नंबर दो, अगर तुम मेरा दोस्त नहीं होता तो हो सकता था मैं तुझे ही मौत का झूला झूला देता। अरे दोस्त, तेरी बात सुन, ये मेरा दुश्मन है, तू मेरा दोस्त है, मेरा कहना मान, निकल जा, क्योंकि मैं अपने दुश्मन को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। नहीं, अगर ये आपका दुश्मन है तो ये मेरा छोटा भाई है, ससुर साहब जुबान को गोली चल जाएगी, समझ लो। तेरा नाम खड़ग सिंह है, अगर चश्मा नहीं किया तो पकड़ के टांगे फाड़ कर भी फेंक। ससुर साहब जरा ऐसा नीचे से बात करो, नीचे से झुका के, मैं आपका दामाद हूँ, सब मेरे दामाद है। और आप कौन? मैं जानता हूँ मोहन से पहले मौत का झूला तू झूलेगा। ये मेरा भाई है, अगर आपका भुजाएगा तो आप देगा, वही मोहन को आज मारेगा। सावधान से तो मोहन को तुम मारोगे। सावधान।
को मैं साथ ले। दुश्मन ये मेरा बनना चाहता है, ये मेरा दोस्त है, मैं अपने हाथों से आज से मारूंगा, मेरी प्रजा देखेगी और मौत का झेरा भी मोहन को झेला। लोग मुझे खतरे से खेलना जानते हैं कि क्या को का काम सिर्फ है खतरे से खेलना। तैयार हो जाओ और चार के लिए मोहन की फांसी बंद हो जानी चाहिए, नीचे कर दो। पहले मैं से मारूंगा, उसके बाद मोहन को मौत का झेरा दिला। तूने मेरे पिता का खून किया और हमारे साथ हम लोगों ने आपका क्या बिगाड़ा था बताओ। माफ गलती हमारी दोहरी करो, हमारी दोहरी करो, और इतने में गलती को नगर की रियासत के लिए महारानी के दोनों बच्चे को जान से मार दिया। सोहर सिंह महारानी नजरी मेरे पास आई, कहने लगी मंत्री खड़क सिंह हमारे बच्चे कहाँ है, तुम जानते हो तो बताओ। है मैंने उसे झूठ बोला, लाए हो मैं महारानी को मार मार कर रात दरबार से अरे पापी तुझे हम लोग नहीं माफ करेंगे, भैया इसको सालों को जान से मार दो। ठीक है मोहन दोस्त, हम मैं मरने के लिए तैयार हूं। एक कहावत आप लोग सुन लीजिए, पूरे काम का बुरा नतीजा, पूरे काम का बुरा नतीजा ना मानो तो करके देखो। मैंने आज तक गरीबों को सताया, राज के लालच में सबको तहस नहस कर दिया, और एक इंसान नहीं है मैं। सजा के मुताबिक मैं सजा अवश्य पाना चाहता हूं। मेरी सजा को देखकर इस कंचन नगर की रिया एक बार अपने प्रजा के साथ भाईचारा बनाए रखे, मेरे जैसा इंसान नहीं होना चाहिए, क्योंकि मैं बहुत बड़ी गलती किया। मार तो मैं मरने की मेरे दिल सुनाओ सिर को बताओ। प्रजा के सामने तुम भुलभुल मूर्तो है, और प्रजा से गलती मान लो और जाओ लड़को
गलती मांगे आवे चप्पल निकाल हाथ में लगे नहीं बेचा करेंगे अब ये चप्पल निकाल में बाहर नहीं बेचती हुई का अरे दरबारी मारो ना भले हमारे हाथ पे मांगो है नौजवान लड़का बच्चे से वर्ष माफी मांगूंगा लेकिन कोई चप्पल नहीं चलाना मुझे मैं आज के बाद ऐसी गलती कभी नहीं करूंगा हमारी जिम्मेदारी देखो चप्पल और बहनों नौजवान साथियों माता और पिता छोटे बच्चे और बच्ची मैं आपसे हाथ छोटे माफी मांगता हूँ भगत सिंह लड़का का मौसिया ये 10 रुपए का पुरस्कार हाथों हाथ भेजा है हमारी पार्टी लाला धरवाली कह रहा है सोहन सिंह और मोहन सिंह इसको मन मारो 7 हाथ के जवान ने छोड़ दिया था धन्यवाद देखो देखो मेरी कंचन नगर की प्रजा हमारे लिए कितनी दयावान है अगर कोई से मार दो मैं इस कंचन नगर में रहने का काबिल नहीं हूँ क्योंकि मैं एक नमक खोर मंत्री हूँ अपने हिमालय के पत्तल में खाता था और उसको भी इस तरह पहुंचा दिया मुझे मार दिया भैया तैयार हो जाओ संसार तो छोड़कर जा रहा हूँ लेकिन मेरी बात तो सुनना मेरी दुश्मनी मेरी बेटी ममता और गीता से नहीं चुकाना नहीं लेकिन भैया से कुछ कहना क्या कहना चाहते और मेरे भाई को भगवान ने फिर से मिला कराओ बस खत्म करो इसकी लाश ले जाकर किसी चौराहे पे और दो चार घरे सीरे डाल दो हाजी किसे इसका मांस कुत्ते और बिन नौ की खा जाए एक साझे का लड़का वही जाकर 12 नंबर पोस्ट कर